अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन तो अब नहीं रहे, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आपको हम बताते चले कि 1 मई को मोहम्मद साहबुद्दीन की दिल्ली में मौत हो गई थी और उसके बाद से दिल्ली के ITO गेट के सामने कब्रिस्तान में मोहम्मद साहबुद्दीन को सुपुर्दे खाक किया गया था। उसके बाद से उनके परिजनों के द्वारा वहां पर जो कब्रिस्तान है उसको पक्का बनाया जा रहा था, जहां पर मोहम्मद साहबुद्दीन को सुपुर्दे खाक किया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर जो मजार है, मजार टाइप का बना करके और वो पक्के का बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के जो कब्रिस्तान की कमेटी है उसे सूचना मिली और वो विरोध करना शुरू कर दी। कब्रिस्तान की कमेटी की माने तो उनका सीधे तौर पर आरोप कहना है कि कब्रिस्तान के ठीक आगे एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर दिया गया है कि ये जगह आपकी है, लेकिन आप इस पर पक्का कुछ भी काम नहीं करवा सकते हैं। और इसको लेकर के एक बार फिर से मोहम्मद साहबुद्दीन की मौत के बाद भी वो सुर्खियों में छाने लगे हैं। आपको बताते चले कि मोहम्मद साहबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद थे और दिल्ली में उनकी मौत होने के बाद दिल्ली में ही सुपुर्दे खाक किया गया था। लेकिन जिस तरीके से अब परिजनों के द्वारा यहां पर पक्का का निर्माण उनके मजार को लेकर के करवाया जा रहा है, जहां सुपुर्दे खाक किया गया था, और वहां पर अब विवाद बढ़ गया है। दिल्ली कब्रिस्तान की जो कमेटी है वही अब विरोध करना शुरू कर दी है कि यहाँ पर पक्का जो ये मजार है वो नहीं बनेगा। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।